जो धूल उड़ती है उसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी ताकि धूल ना उड़े, और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग जो एमसीडी को करनी है, एमसीडी के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्वीपिंग जो है वो मैकेनाइज्ड हो। पांचवा है, 12 ऐसे स्पॉट्स हैं दिल्ली में जहां पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है, इनको हॉटस्पॉट्स कहा गया है। इन 12 हॉटस्पॉट्स के लिए अलग से स्पेशल प्लान्स बनाए जाएंगे यहां पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। छठा है, सर्दियों के दिनों में खासतौर से क्या होता है कि जब सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे चौकीदार या बहुत सारे लोग कूड़ा इकट्ठा करके या पत्तियां इकट्ठी करके या वो जलाते हैं, वो जो जलाने का जो धुआं होता है वो नीचे ही सेटल हो जाता है, वो ऊपर नहीं जाता है, वो टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना की वजह से, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। इसको बंद करने के लिए हम हर वार्ड के अंदर दो दो एनवायरमेंट मार्शल्स की नियुक्ति करेंगे और बहुत बड़े स्तर पे हम आरडब्ल्यूएस को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और सातवां और आखिरी पॉइंट है कि दिल्ली में पेड़ लगाने के लिए हम जनता को इन्वॉल्व करेंगे। इसमें जो जो लोग अपने घर में पौधा लगाना चाहेंगे, पेड़ लगाना चाहेंगे, वो उनको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अगर वो एसएमएस कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे तो उनके घर में हम पेड़ या पौधे की होम डिलीवरी करा देंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर उसको पानी देके रोज उसको उसकी देखभाल करें, उसको बड़ा करें। तो ये डेली ट्री चैलेंज के नाम से है और ये लंबा चलेगा, ये कोई महीने दो महीने की चीज नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो ये 7 पॉइंट प्लान है पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए। इसके अलावा एक वॉर रूम बनाया जा रहा है, जितनी भी कंप्लेंट्स पोल्यूशन से रिलेटेड आएगी वो वॉर रूम में रिसीव होंगी और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए पूरा बैकएंड तैयार किया जा रहा है। स्कूलों के बच्चों के अंदर अवेयरनेस बहुत बड़े स्तर पे लाई जाएगी पोल्यूशन के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में और क्या क्या एहतियात बरतनी है, और स्कूलों के बच्चों के जरिए उनके माँ बाप को मोटिवेट किया जाएगा। ये सारा था पराली एक्शन, प्रदूषण एक्शन प्लान। 15 नवंबर के बाद या 15 से 20 के बीच में जब पराली का प्रदूषण कम हो जाएगा तो ये 7 में से 2 पॉइंट अगर छोड़ दे, दिवाली वाला और ऑडिवन, बाकी 5 पॉइंट पूरे सर्दियों के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे और वो हमारा बनेगा विंटर एक्शन प्लान। तो जो 7 पॉइंट मैंने बताए थे उसमें से ऑडिवन और दिवाली वाला अगर छोड़ दें तो बाकी मास्क वाला, डस्ट वाला, हॉटस्पॉट्स वाला, लोकल बर्निंग, डेली ट्री चैलेंज, ये पूरे विंटर में चलेंगे और पूरे विंटर में दिस विल बिकम आर विंटर एक्शन प्लान। इसके अलावा दिल्ली सरकार लॉन्ग टर्म, ये तो तुरंत हमें कार्रवाई करनी है, लॉन्ग टर्म प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे कदम उठा रही है। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं 4000 बसेस अगले 8 से 10 महीने के अंदर दिल्ली की सड़कों के ऊपर होगी, बसेस आनी चालू हो गई हैं। बस एग्रीगेटर पॉलिसी अगले कुछ दिनों के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी, नोटिफाई कर दी जाएगी। इसके तहत हमें उम्मीद है कि बहुत बड़े स्तर पे प्राइवेट सेक्टर के लोग लग्जरी बसेस में दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो गाड़ी वाले लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के बसेस को, पब्लिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना चालू करें। दिल्ली की जो सारी बसेस हैं उसका रूट रैशनलाइजेशन पिछले एक साल से चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बसेस छोटी छोटी गलियों के अंदर घुसती हैं और छोटी छोटी गलियों में खाली बसेस घूम रही हैं। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो इनइफेक्टिव हो चुके हैं, वो सारा रूट रैशनलाइजेशन इस तरह से किया गया है कि हम बसेस को कैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें ज्यादा से ज्यादा उन रूट्स में जो बिजी हैं। और ये रूट रैशनलाइजेशन जो है हमें 2 से 3 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। रूट रैशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट होने से आपकी बसेस की और नई बसेस आ जाने से आपकी बसेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दिल्ली के अंदर। इसके अलावा मेट्रो फेज 4
ऑलरेडी लागू हो रहा है, उसकी सब जगह से अप्रूवल आ चुकी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर के ऊपर छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आने वाले समय में बस स्टैंड्स को सबको बदला जाएगा और इन बस स्टैंड्स के ऊपर इनको मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बस कितने बजे आएगी, अभी कहाँ है बस, आपकी बस कहाँ पहुंची और कितनी देर में पहुंचने वाली है, तो बस का अराइवल स्टेटस, हर बस का अराइवल स्टेटस आपको वहां बोर्ड पे मिलेगा। तो जैसे आप मेट्रो को ज्यादा लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पता है कि मेट्रो आएगी, इतनी देर में आएगी, इतने बजे आएगी। अगर आपको पता चल जाए कि बस आएगी और आपको ऐप के ऊपर भी पता चल जाए कि बस आएगी, इतने बजे आएगी, इतनी देर में आएगी, तो आप बसेस को और ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कुछ दिनों के अंदर नोटिफाई होने जा रही है और अभी तक जिन लोगों ने ड्राफ्ट पॉलिसी देखी है, हमने ड्राफ्ट पॉलिसी वेबसाइट पे भी डाली थी, सबका कहना है कि देश की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। इसके बाद अभी 1000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं। इनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रिक बसेस के भविष्य में जितनी भी फिर बसेस खरीदी जाएंगी वो सारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी और हमें उम्मीद है अगले 4 से 5 साल के अंदर दूसरे व्हीकल्स भी, हम किसी भी फ्यूल को भी बैन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे भी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करें। और लास्ट पॉइंट है कि बहुत बड़े स्तर पे, जैसा आप लोग जानते हैं, बजट में अनाउंस हुआ था ग्रीनिंग, दिल्ली का ग्रीनिंग और मैकेनाइज स्वीपिंग। हम चाहते हैं कि 100% दिल्ली में मैकेनाइज स्वीपिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कुछ एक लॉन्ग टर्म सजेशंस थे। अब अगर आपके कोई सुझाव, ऑड इवन केवल इमरजेंसी मेजर होता है और उसको ज्यादा दिन लागू नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा दिन अगर आप लागू करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट मुश्किल हो जाता है, तो अभी इतना ही सोचा गया। नॉर्मली उसी के आसपास पराली का धुआं उसी के आसपास आना चालू होता है, फिर सैटरडे संडे है, छुट्टी वाले दिन नॉर्मली ऑड इवन से हम लोग एग्जम्पशन देते हैं, आपको याद होगा, तो उस टाइम छुट्टी है तो 4 से एक तरह से वर्किंग शुरू हो रही है। वो सारा डिटेल्स आपको आने वाले समय में बताते हैं। फ्री होगा, हम देख रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कि 50 से 60 लाख के करीब प्रोक्योर कर पाए। अभी सारी चीजें आपको आने वाले समय में बताएंगे। देखिए चालान का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, हम सब लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक सुधरे, हम सब लोग चाहते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं सड़क के ऊपर वो एक्सीडेंट बंद हों। एक्सीडेंट की वजह से बहुत लोगों की जान जाती है और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कितना ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड है। एक बात तो सब लोग मान रहे हैं कि जब से ये लागू हुआ है तब से दिल्ली के ट्रैफिक में भी काफी सुधार आया है। पॉल्यूशन सेंटर्स में जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं वो इसी वजह से, क्योंकि अब सब लोगों को लेना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो फाइन लगेगा। हम इस पे नजर रखे हुए हैं, अगर कोई ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी और जिसकी फाइन को हमारे पास रिड्यूस करने की पावर होगी तो उसको हम जरूर करेंगे। हमारी सरकार बहुत ही सेंसिटिव गवर्नमेंट है, हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में लोगों को परेशानी हो, लेकिन इस जो अभी फाइन का स्ट्रक्चर आया इसकी वजह से ट्रैफिक में सुधार हुआ है, इसकी वजह से एनफोर्समेंट इजी हुई है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर फाइन होगा या ऐसा पर्टिकुलर प्रोविजन होगा जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही होगी, उसके एनफोर्समेंट से गड़बड़ हो रही होगी, और अगर उसको कम करने की हमारी पावर होगी हम जरूर करेंगे। सर, ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जनवरी में लॉन्च हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में क्या उसमें है कि उसमें पीनल पावर्स नहीं है अथॉरिटीज के पास, जिससे लोगों को लगता है साफ रहेगा कि एनफोर्समेंट आप कर रहे हैं तो चीजें हो रही है, एनफोर्समेंट का पीनल प्रोविजन एक डर है वो उसमें मिसिंग है,
तो क्या आप उसके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को मजबूत करने? हम तो उससे कहीं आगे जा चुके हैं। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो बाकी राज्यों ने कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अब हम तो जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी दुगना काम कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से भी ज्यादा दुगना काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है। देखिए, ये सारे कई सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, और लेकिन अगर असली चीज होती है नीयत की, अगर मेरी नीयत नहीं है तो सारे प्रोग्राम्स को और सारे आदेशों को कागजों में खाना पूर्ति करने का कंप्लायंस बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन हमारी नीयत है तो सारे आदेश भी पूरे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इससे बढ़ चढ़ के दो गुना ज्यादा कर रहे हैं। सर, क्योंकि हमने नीयत की बात की तो ये एयर पोल्यूशन के साथ एक बड़ा मुद्दा वाटर पोल्यूशन का, यमुना का, उस पे इलेक्शन भी होता है। मिसाल, जैसे बरसात खत्म होती है यमुना फिर से ड्रेन बन जाती है, यमुना के लिए आपके दिमाग में कोई प्लान है? यमुना के क्लीनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो सीवर हमारा जाता है वो सीवर जाना बंद हो। उसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी काफी सारे वो किए हुए हैं, उसमें 2-3 साल लगेंगे, लेकिन 2-3 साल के अंदर हमें उम्मीद है कि जब सारे एसटीपीज जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो जब बन जाएंगे तो यमुना के अंदर सीवर जाना बंद हो जाएगा। सर, एक ऑडिवन के दौरान एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जो ओला वगैरह से टैक्स एग्रीगेटर हैं, ये लोग बहुत मनमानी करते हैं और कहीं कहीं गुना जो है फीस वसूलते हैं, तो उनके लिए कुछ उनको करेंगे उस टाइम उसके, जैसे जो पिछले वाले हमारे 2 ऑडिवन हुए थे उसके बेसिस पे हमने जो सीख ली है, जो लेसन लिए हैं, उनको सबको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप 2014 से 2016 का और उसके बाद का 3 साल का एवरेज आप ले लीजिए, वो 3 साल का एवरेज अपने आप ही दिखाता है कि पीएम 2.5 शायद 164 से 116 चला गया है, तो वो तो डाउन हुआ है ना, 25% डाउन हुआ है, वो तो सबके सामने ही है। सीपीसीबी का ये हमारा डेटा नहीं है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है। तो अगर अच्छा काम हुआ है दिल्ली के अंदर तो उसकी तो क्रेडिट तो देना चाहिए, मतलब वाई डू वी ऑलवेज है, तो हाउ डू यू मेजर, फिर आप कैसे मेजर करोगे कि कम हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब फिर वो ये नहीं कह सकते कि कम नहीं हुआ, उनके हिसाब से अगर वो मतलब फिर किस बेसिस पे कह रहे हैं? आज जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से कम हुआ है, तो अगर कहीं कम हुआ है तो वो जबरदस्ती आप उसको नकारने के लिए, अगर आप दिल्ली के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कितने सारे स्टेप्स लिए हैं, मैं आपसे, अच्छा छोड़िए डेटा को छोड़िए, आपसे पूछना चाहता हूं, 3-4 साल पहले तक जब आप मार्केट में जाते थे हर दुकान के बाहर लाल कलर का एक डीजल जनरेटर सेट होता था कि नहीं होता था? छोटा सा होता था ना, और जब वो जाती थी वो खींच के, रस्सी खींच के वो जनरेटर चलाते थे, और जब जनरेटर चलता था धुआं निकलता था, आंखों में लगता था। अगर आप बाजार में उस टाइम घूम रहे होते थे और लाइट चली जाती थी, बाजार में घूमना मुश्किल हो जाता था, इतना धुआं होता था, आंखें जलती थी, नाक जलती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। आज आपको मिलता है एक भी जनरेटर? नहीं मिलता। तो दिल्ली के अंदर एस्टिमेटेड लगभग 5 से 6 लाख जनरेटर थे, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली होने की वजह से ये सारे जनरेटर बंद हो गए। पोल्यूशन कम हुआ? नहीं हुआ, हुआ ना। दिल्ली में लगभग 5000 के करीब ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि ऐसा फ्यूल यूज करती थी, ये जो हैजर्डस फ्यूल है उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन बनता था, इतना ज्यादा पोल्यूशन बनता था। सारी इंडस्ट्रीज का हमने वो जो फ्यूल चेंज करा दिया, सारी पीएनजी पे और दूसरी गैसेस पे आ गई हैं जो बिल्कुल पोल्यूशन रहित हैं। तो अगर इस सारी दिल्ली की इंडस्ट्रीज सेफ फ्यूल के ऊपर शिफ्ट कर गई हैं, देश में पहली बार हुआ है, पूरे देश में किसी राज्य ने नहीं किया, तो आप उनको तारीफ कर दीजिए यार, उन इंडस्ट्री वालों की जिन्होंने इतनी तकलीफ करके। नेचुरली क्यों नहीं करेंगे, हम भी आम आदमी हैं, हमारे पर तो आप जब ये कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जब आपको ये कहे ना, मैं कल देख रहा था एक दो जगह कि अरे नहीं नहीं ये डेटा ये है वो है, तो उनको ये पूछा कीजिए। 65% रिडक्शन मोर रिक्वायर्ड, मैं तो वो कह ही रहा हूँ भाई, दो चीज होती है। पहली चीज, पूरे देश के अंदर जहां पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है
वहां दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ना बंद हो गया है, ये अच्छी बात है कि नहीं है? पॉल्यूशन 25% कम हो गया है, अच्छी बात है। हमें और बहुत कम करना है, अभी उसको गुड वाली लिमिट में लाना है, मैं तो कह ही रहा हूं उसको बहुत कम करने की जरूरत है, इसीलिए इतने सारे कदम उठा रहे हैं। अगर हम आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता कि भाई 25% हो गया कल पटाखे बजाओ तो गलत है। मैं कह रहा हूं पटाखे मत बजाओ। मैं डिटेल्स दे दूंगा आपको, 12 के 12 के डिटेल्स। मैंने आम लोगों से हमने सुझाव भी लिए, मैंने पर्सनली पिछले एक हफ्ते में कई आरडब्ल्यूएस के साथ मीटिंग की, कई एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की, उन सब का निचोड़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।